लोग कमेंट कीजिएगा। और ये मैं खड़ा भी बाप रे बाप, ये भी मैं गिर सकता था दोस्तों, गिर ही गया था, बच गया। हनुमान जी का कोटि कोटि प्रणाम दोस्तों, गिर गया था अभी, यहाँ पे सांस फूल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे ब्लॉग। मैं हूँ गोपाल और एक नया ब्लॉग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का करीब 8 बज रहा है और मेरे तरफ से आप सभी को एक प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बाड़ी तरफ आया हूँ। तो मैं जो पहले वीडियो में बताया था, धीरे धीरे करके पूरा बाड़ी में सफाई करके कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं अभी वही सफाई करूँगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारा सफाई किए हैं, ऐसा ही धीरे धीरे करके मैं पूरा कंप्लीट करूँगा इसको और नया सब्जी लगाऊंगा। अब दोस्तों मैं जाऊँगा सैलून, क्योंकि थोड़ा शेविंग वेविंग कराना है और बाल उल कटना है। तो मैं सैलून आ चुका हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सैलून है। और ये ऐसा चाचा है जो बाल काटते हैं, बहुत अच्छा काटते हैं। और ये झंटू क्या हट, बाल कटाएगा, ऐसा ऐसा मार रहा है। वो अपने बाप कब सिखा है, अरे बाप इतना बड़ा बड़ा नाखून है क्या। यहाँ पे आइसक्रीम आया है हम लोग का दुकान के सामने, घर के सामने। हम लोग आइसक्रीम लेंगे, लक्ष्मी को आइसक्रीम ले देंगे। लक्ष्मी आइसक्रीम लेगी, लक्ष्मी बोल रही है आइसक्रीम लेंगे, तो लक्ष्मी को आइसक्रीम दे देंगे। दीजिए आइसक्रीम, आइसक्रीम दे दिया है। हम लोग आइसक्रीम ले चुके हैं ये, और ये हम लोग छोटा भाई है, ये चला रहा है आइसक्रीम। और ये आदमी आया है, बहुत दूर से आया है, 4 घंटा इसको वहाँ से आने में लगा है। दोस्तों मैं अभी घर से निकलूंगा और मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद आपको बताऊंगा। और हनुमान जी के गोदा को एक बार प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि हमको बहुत रक्षा करते हैं हर जगह जब मुसीबत में रहते हैं। आप सभी को भी रक्षा करेंगे हनुमान जी। गाइस मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, ये बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है। क्योंकि मैं पहले भी मेरा पुराना वीडियो में बता चुका हूँ कि जो नदी वहाँ पर स्वर्णरेखा में मिलती है, ये वो यही नदी है, उसका नाम अभी डाकागढ़ा है। ये बंगाल और झारखंड को डिवाइड करती है, जैसे उधर बंगाल हो गया और मेरा इस तरफ आप देख पाएंगे, इधर झारखंड हो गया। वहाँ पे बॉर्डर भी है, आगे देखिए वहाँ पे जोहर लिखा हुआ है। और हम लोग अभी बॉर्डर में हैं, अब ये नदी भी देख सकते हैं। बंगाल मेरे घर से ज़्यादा दूर में नहीं है बॉर्डर, तो हम जिधर जा रहे हैं हम लोग उधर बॉर्डर मिलता है, तो इसीलिए हम मैंने सोचा कि आप सभी को ये दिखा दूँ। और आप लोग देख पा रहे हैं वो जो रास्ता और एक ब्रिज है वहाँ पर, वो भी झारखंड की तरफ जा रही है। यहाँ पे एक लाइन होटल था जो कुछ दिन पहले ही चालू हुआ था, लेकिन ज़्यादा दिन चला नहीं, बंद हो चुका है अभी। दोस्तों मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ जहाँ पे आना चाहता था, क्योंकि मैं वहाँ पे घर में बोल चुका हूँ कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो नाम नहीं बताया हूँ, लेकिन फाइनली मैं यहीं आना चाहता हूँ। ये एक पहाड़ है, हम लोग इसको उठने का कोशिश करेंगे, अभी ट्रैकिंग करेंगे। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो जनवरी में बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत पूजा होता है, और जो लोग मन्नत करते हैं यहाँ पे वो पूरा हो जाता है, इसीलिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और ये एक मूर्ति भी है, हम लोग देखेंगे जाके वहाँ पे किस चीज़ का मूर्ति है। और ये जगह देखिए दोस्तों, इतना शांत मिलेगा आपको, ऐसा जगह और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मन को शांत रखने का और मन में शांत पाने के लिए एक नेचुरल जगह होना चाहिए, और जो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटीफुल नेचर हम लोग इसको बोल सकते हैं, वंडरफुल ब्यूटीफुल नेचर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतना मन शांत लगता है और इतना अच्छा लगता है ना, आप आगे यहाँ पे बैठिए 2-3 घंटा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब 2-3 घंटा बीत चुका है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना, आपको हम बता नहीं सकते हैं। आप अभी हम उठ कर देखेंगे वहाँ पे कि जो पहाड़ दिख रहा है, तो हम लोग उठने का कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो मूर्ति है उसको देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्रणाम करेंगे बाबा भोलेनाथ का, जो यहाँ पे मंदिर है। कितना अच्छा है, कितना शांत लग रहा है, आप इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं अभी फील कर रहा हूँ बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो पहाड़ आप दिख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है पंचाड़ू पहाड़, और ये बहुत अच्छा पहाड़ है। और इसके नीचे एक मंदिर भी है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे मन्नत पूरी होती है, जो जो लोग यहाँ पे मन्नत करता है उन लोगों को पूरा होता है, क्योंकि जनवरी में बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे एक मूर्ति है पंचाड़ू बाबा का, आपको मूर्ति में दिखाऊंगा।
दोस्तों ये शिव जी का मूर्ति जो लिंग जो है ये पेड़ के एकदम नीचे है, एकदम देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे है। और दोस्तों ये जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं ये पहाड़ के पीछे ही विजय रिया ब्लॉक्स का घर है, और हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे विजय रिया ब्लॉक के साथ। और जो पहाड़ है हम लोग उठेंगे अभी, और यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है कोई, यहाँ रहने से अच्छा था, लेकिन हम लोग उठने की कोशिश करेंगे जितना तक हम लोग उठ पाएंगे। और दोस्तों ये आज पूरा अगर नहीं कर पाएँ तो दूसरा दिन आके इसको ऊपर तक टॉप तक हम लोग उठेंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग ट्रैकिंग ज़रूर करेंगे इसको, लेकिन आज पूरा टॉप तक उठ पाएंगे कि नहीं वो तो नहीं बोल पाएंगे, देखते हैं जितना दूर हो सकता है। मैं और एक मेरा छोटा भाई आए हैं हम लोग दोनों, वो भी वहाँ पे वीडियो बना रहा है, देख सकते हैं अच्छा लग रहा है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ से घर ही नहीं जाएंगे, और कर रहा हूँ ऊपर उठ रहा हूँ, बहुत सारा यहाँ पे पत्थर है फिर भी मैं ऊपर उठ रहा हूँ कि संभल के चलना होगा, नहीं तो एक बार पैर फिसलने से ही एक्सीडेंट हो सकता है हम लोग का। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, चलिए ऊपर उठते हैं। डर भी लगने लगा है सांप उप ना मिल जाए रास्ता में, सांप मिले से मेरा तो हो जाएगा सब। ये रास्ता था उठने का लेकिन रास्ता दिख नहीं रहा है, हम लोग उठेंगे तो किस तरफ से उठेंगे समझ में नहीं आ रहा है। इधर से चलते हैं क्या, इधर से चलते हैं। रास्ता ही नहीं है दोस्तों, बिना रास्ता को उठना और मुश्किल होता है। 980 डिग्री एंगल में होगा, 90 तो नहीं होगा, 60 से 80 के बीच हो सकता है। शायद वही रास्ता है, हम लोग उधर से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से बहुत, यहाँ भी बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब मेरे पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, पूरा इलाका जो है आप लोग देखने को मिलेगा, देखिए ये। और पीछे और एक पहाड़ दिख रहा है, वो इससे भी बड़ा है, वो शायद सेवाती पहाड़ है क्या, वही पहाड़ हो सकता है, वहाँ भी जाएंगे दोस्तों एक दिन हम लोग। आप लोग बने रहिए वीडियो में और मेरा चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये हम लोग थोड़ा गलत रास्ते में आ गए, अब हम लोग फिर नीचे उतरेंगे, उसके बाद वो जो दिख रहा है ना वही रास्ता से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, इसी रोड से हम लोग को उठना होगा। दोस्तों ये रोड हम लोग नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा भी बना हुआ नहीं है, बहुत सारा पत्थर और ऊपर उठा हुआ है, हम लोग थोड़ा सा संभल के ना चलने से ही हम लोग का एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकता है और कुछ भी हो सकता है। यही रास्ता से हमको उठना होगा, ये रास्ता हम अच्छा बनाया हुआ ट्रैकिंग करने वाला नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उठने का, कोशिश नहीं दोस्तों उठ रहा हूँ। लेकिन इतना में थक चुके हैं, अगर आज पूरा उठ नहीं पाए तो नेक्स्ट डे कभी आएंगे तब उठ के पूरा दिखाएंगे, टॉप तक जाएंगे पहाड़ का, और वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कुआं भी है और वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। अब देख पाएंगे बहुत ऊपर उठ चुके हैं नीचे से। डेंजरस रोड है ये, रोड तो नहीं बोल सकते हैं हम लोग, रोड का नाम ले रहे हैं इसीलिए, इसी रास्ता से जा रहे हैं इसीलिए रास्ता बोल रहे हैं इसको, लेकिन ये सुकून लग रहा है ना, और इतना अच्छा हवा, वो ठंडा ठंडा हवा मस्त लग रहा है। आप लोग भी यहाँ पे आइए उठिए, मस्त मज़ा आएगा। हमको लग रहा है हम लोग नहीं उठ पाएंगे, डर लग रहा है,
और ऊपर घना जंगल भी है, देख पा रहे हैं। देखिए अब ऐसा घना जंगल, अगर सांप मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन कोशिश करने वालों का हार नहीं होता है, उसी तरह मैं भी फिर से कोशिश कर रहा हूँ उठने का। लकड़ी काटने भी आदमी आता है शायद यहाँ पे, इसलिए रास्ता पे दिख रहा है लकड़ी कटा हुआ है। ये देखिए पेड़ का छाल है, और हम लोग देखिए शायद कोई काट के लगा होगा, और ऊपर उठ रहा हूँ। अब वो देख पा रहे हैं कितना डेंजरस पत्थर है सब, और ये पत्थर से ऊपर उठा हुआ हुआ है, उसी में सबसे दिक्कत होगा, कब फिसल जाएगा पता नहीं चलेगा, इसीलिए समझ बूझ के पैर रखना पड़ रहा है। आप लोग देखिए मेरा बैकग्राउंड में क्या नज़ारा है, और ये जो चींटी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बहुत खतरनाक होता है। ये एक बार इसको काट दिया ही है ना, तो समझ बूझ चाहिए, इतना जलन होगा ना आपका आप समझ नहीं सकते। इसको हम लोग लोहा चिमटी बोलते हैं। देखिए यहाँ भी चींटी, लोहा चींटी बहुत सारा है, और इन लोग का कार्ड जो होता है ना जहर, जहरीला होता है, इतना जलता है ना आपको बता नहीं सकते। हम लोग बहुत ही ऊपर आ चुके हैं, मैं थोड़ा थक भी गया हूँ, लेकिन उठने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करते करते आधा से भी ऊपर उठ चुका हूँ दोस्तों, लेकिन देख रहा हूँ पूरा ऊपर तक। देखिए अब तो पूरा 90 डिग्री एंगल में दिख रहा है, 90 डिग्री में चढ़ाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम भी रुकने वाले नहीं हैं। मेरा बैकग्राउंड देखिए मस्त मजा आएगा। हम लोग आधा से भी ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, हम लोग दो जन सिर्फ हैं, लेकिन डर लग रहा है अब, क्योंकि ऊपर घना जंगल है। देखिए क्या होगा, शाम के वक्त भी है, शाम के टाइम भी है, उठना हम लोग से रिक्सी हो जाएगा, कहीं कोई जानवर आ जाएगा, कहीं सांप मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ। इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोग आज इतना ही तक ट्रैकिंग करते हैं, जब नेक्स्ट डे हम लोग, आप लोग कमेंट कीजिए पार्ट टू जब इसका आएगा, आप लोग पूरा टॉप तक देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये मैं खड़ा भी, बाप रे बाप, ये भी मैं गिर सकता था दोस्तों, गिर ही गया था, बच गया। हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम दोस्तों, गिर गया था अभी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब मैं नीचे उतरूँगा। यहाँ पे सांस फूल रहा है, बहुत ऊपर उठ चुके हैं, मैं अभी उससे नीचे जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों बस जस्ट शाम होने वाला है। इसीलिए दोस्तों आज माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पूरा उठने का मैं ठान लिया था, लेकिन पूरा नहीं उठ पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पार्ट टू लेकिन आएगा इसका, ज़रूर पूरा टॉप तक उठेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए पार्ट टू देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना ऊपर उठ चुका हूँ मैं, देखिए। और नीचे बाइक है, बाइक में हैंडल लॉक भी नहीं किया हूँ, कुछ भी हो सकता है कोई। दोस्तों जो पत्थर से है ना सबसे खतरनाक है, पत्थर से सबसे खतरनाक है, लेकिन हनुमान जी का कृपा है मेरे ऊपर, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि गिर गए थे बच गए हैं, जास्ट आपको बता नहीं सकते हैं। देखिए और कैमरा, और साथ में नीचे देख के चलना, एक कैमरा मोबाइल है लेकिन इसको भी साथ में ले के चलना, और इस तरह ट्रैकिंग, डेंजरस ट्रैकिंग बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं रिस्क लिया, अच्छा लगा,
और आप लोग को कुछ नया दिखाने का कोशिश किया था। मैं नीचे उतर रहा हूँ और बिजरिया ब्लॉक्स का घर इस पहाड़ के पीछे उस साइड है। हम लोग मिलने का भी दूसरा दिन जाएंगे। विजय बहुत अच्छा लड़का है और उससे बात भी हो चुका है। जैसे दोस्तों महाराष्ट्र तरफ जो पहाड़ है ना, उन लोग उधर ट्रैकिंग करने का एक सीढ़ी जैसे बना हुआ है। हम लोग के इधर जितना भी पहाड़ है कोई ट्रैकिंग करने का सीढ़ी जैसे कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर है, उससे आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ये ज़्यादा रिस्क होता है, उधर मज़ा आता है दोस्तों। वहाँ पे मैं ट्रैकिंग किया था ब्रह्मगिरी पर्वत जो नासिक में है त्र्यंबकेश्वर, बहुत मज़ा आया था वहाँ भी। और वहाँ पे बादल पूरा ऊपर हाथ में मुंह में बादल हो रहा था, तो इसलिए और ज़्यादा वहाँ पे मज़ा आ रहा था। बारिश हो रहा था हल्का हल्का, यहाँ पे थोड़ा बारिश हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं और दोस्तों क्या बोलेंगे, मज़ा तो बहुत आया लेकिन डर लगा कि ऊपर घना जंगल है और कोई भी नहीं है, तो शाम भी होने वाला है, इसीलिए हम लोग नीचे आ गए। और बाइक जो मेरा था वो हैंडल लॉक भी नहीं किए थे और सुनसान इलाका है, इसीलिए मैं नीचे आया। और नीचे आना था क्योंकि दोस्तों कोई बाइक ले जाएगा तो फिर चोरी हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, आप लोग आइए यहाँ पे, तब जाके महसूस कर पाएंगे यहाँ पे यहाँ का जो प्रकृति है आपको कितना अच्छा लगेगा। और मैं जस्ट बोल ही सकता हूँ और आप लोग फील नहीं कर सकते हैं कि क्या कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। पहाड़ जो पहाड़ी इलाका रहता है, जंगल रहता है। और पंचाड़ू बाबा को एक बार हम प्रणाम कर रहे हैं। और वीडियो ये आप लोग देखिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ये पंचाड़ू बाबा है, मेरा वीडियो वायरल हो जाए। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ और ये भोलेनाथ को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और दोस्तों पानी भी प्यास लगने लगा, देखते हैं, यहाँ एक नलकूप है, अगर हम लोग वहाँ पे पानी निकलता है तो पानी पियेंगे। और ये पंचाड़ू बाबा है, आप लोग देखिए, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गुड बाय।